वेलकम टू माय चैनल गाइस। ये कुछ अर्जेंट कंडीशन में मुझे कुछ एक ये ऑयल चेंज करना पड़ रहा है, तो किलोमीटर रीडिंग हम लोग देख लेते हैं। 122,528। और ऑयल जो हम लोग चेंज करने जा रहे हैं वो कौन सा है? ये गल्फ का पावर ट्रैक सिंथेटिक ऑयल है, 40 लिखा है, 7% मोर पावर। और क्या क्या लिखा है इसमें? लिखा हुआ है कि ऑफिशियल लुब्रिकेंट पार्टनर ऑफ एप्रिलिया एंड BMW मोटार्ड मोटर स्पोर्ट। ठीक, अब देख लेते हैं ज़रा पीछे। प्राइसिंग लिखा हुआ है 435 रुपीज़, लेकिन ये मुझे पड़ा है ऐसे ही 370-380 के आसपास पड़ा है। लिखा है सुपीरियर क्वालिटी बेस ऑयल अलॉन्ग विद स्पेशलिटी फॉर्मुलेटेड पावर रॉक्स मॉलिक्यूल्स प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ द ऑयल बाई ब्लॉकिंग डैमेज कॉजिंग फ्री रेडिकल्स। अच्छा, इसमें भी फ्री रेडिकल्स होते हैं जस्ट लाइक ह्यूमंस। ठीक है, दस इंश्योरिंग ऑप्टिमम पावर रिटेंशन राइड आफ्टर राइड। ओके, एंड स्पेसिफिकेशंस हैं मीट्स द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ जासो MA2 एंड API SL। ओके, सो अब तो API SP भी आ चुका है। अब तो सबसे अभी सुपीरियर अब तक SN था, अब SP भी आ चुका है। बीच में O स्किप है, तो उसका रीज़न मुझे नहीं पता क्यों है ऐसा, वो API जाने। ठीक है, अब इसमें लिखा है 7% मोर पावर। चलिए ये वाला ऑयल हम लोग डालते हैं। सामने देखिए सील पैक है आपका, ओके। सो अब यहाँ पर हम अपना ऑयल ये यूज़ करने जा रहे हैं। ओपन करते हैं, ठीक है, और डोंट फोकस ऑन द वट एवर गोइंग ऑन आउटसाइड। सो हम लोग अपने काम में ध्यान देते हैं। ये रहा हमारा क्या कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं डालना। ओके ओके, ये हमारा ऑयल जा रहा है। पुराना ऑयल हम लोगों ने ड्रेन कर दिया, उसके बारे में आप लोगों को अभी बताता हूँ। अच्छा हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों से और शेयर करना चाहूँगा कि जो लास्ट ऑयल मैंने ड्रेन किया है वो जो भी ऑयल था मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन उसका एक्चुअली मैं जो वीडियो मैंने शूट किया था वो मेरे फ़ोन से डिलीट हो गया था, तो मैं उसका इसलिए मैंने आपको रिव्यू नहीं दिया। बट अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं थोड़ा बहुत भी, तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर पूरी पूरी डिटेल देना चाहूँगा। अच्छा, आप लोगों ने अभी किलोमीटर रीडिंग देख ली, वो है 122,000 एंड अप्रोक्सीमेट 500। तो लास्ट जो दोस्तों ऑयल चेंज हुआ था वो सबसे पहले आप लोगों ने शायद देखा होगा, वो मैंने आपको वीडियो डाला था होंडा पावर ऑयल का डाला था, MAC 40 होंडा पावर का, जो कि हुआ था 1,70,000 किलोमीटर में। ठीक है, अब हुआ ये दोस्तों कि आप लोगों को पता ही है काफ़ी टाइम से बाइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। तो अच्छा, एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब मैक होंडा पावर वाला ऑयल आपका डाला गया था तो उसमें एडिटिव का जो आपका क्वांटिटी थी तो मुझसे डबल उसमें यूज़ हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। 1 लीटर पैक में पहले से ही आपका 50 ml पहले से ही एडिटिव जो था वो पड़ा हुआ था, इंजन ऑयल ट्रीटमेंट उसका क्या कहते हैं एब्रो का, और 50 ml मैंने और ऐड कर दिया था। तो देखिए अब हर चीज़ की एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है, ठीक है, उससे ज़्यादा वो ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और उससे कम में फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैंने इसी वजह से 1000 किलोमीटर्स चला करके वो वाला ऑयल आपका बाहर कर दिया था। आप 17,000 में 1000 किलोमीटर चलाया तो हो गया 1,18,000। अब दोस्तों मेरे पास एक मोटल का 5100 10W30 ग्रेड का ऑयल बचा था, वो मैंने 1,18,000 पर आपका डाला था, वीडियो भी शूट किया था, बट वो वीडियो डिलीट हो गया। मैं होंडा पावर का तो आप 1,17,000 में शायद मेरा अभी एक पड़ा होगा वीडियो, ठीक है। तो अब आपका 1,18,000 में मोटर डाला, करंट रीडिंग आप लोग देख रहे हैं 1,22,500,
तो आप ये मत सोचिएगा कि 1,18,000 से 1,22,500 में वो पूरा चल गया है, नहीं। अभी आपका 1,21,000 पे है आपका, उसका क्या कहते हैं, 1,18,19,20,20 से आपका 1,20,000 से 1,21,000 के बीच में मैंने उसका लेवल चेक किया था, यानी तब मोटर का ऑयल करीब 2,500 किलोमीटर चला होगा, और लेवल वही हमेशा की तरह जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा है काफ़ी रिड्यूस हो गया था। तो उसमें मैंने फिर आपका टॉपअप भी किया था, मेरे पास टॉपअप करने का वो था एक, क्या कहते हैं, रखा हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा सैंपल मेरे पास एक रखा हुआ है 200 ml अलग से, तो उसमें से मैंने वो सैंपल पूरा डाल दिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से कि 1,22,500 किलोमीटर्स में सैंपल डालने के बाद ये क्या कहते हैं लेवल फिर से रिड्यूस हुआ, और सामने देख रहे हैं आप लोग, मैं भी आपको दिखाता हूँ, इसमें आपका क्या कहते हैं जो 100 ml आपका वो भी एडेड है, क्या कहते हैं इंजन ऑयल फ्लैश भी, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये लेवल कितना निकला है। तो ये 100 ml प्लस अगर आप लोग माइनस कर देंगे तो ये आपका 900 ml है, यानी 800 ml आपका निकला है, ठीक है। अब 800 ml आपका मोटर का ऑयल निकला है यहाँ पर 100 ml प्लस के साथ में, और मैंने आपको बताया था कि 200 ml मैंने 2,500 किलोमीटर में टॉपअप भी किया था। तो अगर टोटल क्वांटिटी मानी जाए तो टोटल क्वांटिटी होती है 1,200 ml। तो 1,200 ml क्वांटिटी कितना चली, आपका 1,000 किलोमीटर्स माइनस कर दीजिए, 500 किलोमीटर इधर माइनस कर दीजिए, यानी 5,450 किलोमीटर। बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत, मतलब बुरा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है मेरी समझ से। और टेक्सचर पे आते हैं हम लोग, ये टेक्सचर इस बार इसका टेक्सचर बहुत ही बुरा है देखने में, ये देखिए एकदम काला, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं साफ साफ दिख रहा है, ये एकदम काला पड़ चुका है, ठीक है। ड्राइविंग के ऊपर भी देखिए डिपेंड करता है कि आप अपनी बाइक कैसे चला रहे हैं कैसे नहीं चला रहे हैं, तो मैं तो काफ़ी रफ चलाता हूँ, लेकिन फिर भी टेक्सचर वाइज देखा जाए, सब चीज़ के हिसाब से देखा जाए तो देखिए परफॉर्मेंस मैंने कभी मॉडल की बुराई नहीं की आज तक, अभी भी नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस ऑयल का अच्छा है, निश्चित अच्छा है, लेकिन और भी ऑयल हैं जिनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है और लाइफ स्पैन भी अच्छा है। अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं जो हमारा इस बार का ऑयल है, ये गल्फ़ का पावर ट्रैक 10W30 है, इसका रिव्यू मैं आप लोगों को नेक्स्ट ऑयल चेंज में दूंगा, और फ़िलहाल बता दे रहा हूँ प्राइस आप देख लीजिए, ये 400 से कम प्राइस है इसका, 370 के आसपास मुझे पड़ा है, आप लोगों को थोड़ा प्लस माइनस पढ़ के मान के चलिए 380-390 तक मिल सकता है। और आप अगर मान के चलिए ये ऑयल 3,000-3,500 किलोमीटर भी चल जाएगा तो पहले से ही 150 रुपये इसका प्राइस कम है मोटल से, और उससे ज़्यादा चलेगा तो इसमें क्या बुराई है आप बताइए। ऊपर से ये साफ साफ लिखा हुआ है 40 सिंथेटिक ऑयल, तो ईस्टर बेस भले ही ना हो लेकिन सिंथेटिक तो है। तो अब इसमें आपका क्या, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये आप लोगों ने देखा होगा इसमें लिखा हुआ है मैकेनिक और मास्टर मैकेनिक कूपन लॉयल्टी प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें आपका क्या कहते हैं, इसमें कूपन भी ऊपर निकला था, वो कूपन मैंने माइनस करा दिया था, तो उसका भी प्राइस मेरा माइनस हो गया था, शायद 20 या 30 रुपये का कूपन था, तो वो भी एक चीज़ थी। तो देखिए मैं नहीं कह रहा कि कोई ऑयल बुरा है, लेकिन हम लोगों को चेक तो करना ही चाहिए ना कि कौन सी चीज़ पूरा वैल्यू फॉर मनी दे रही है कौन सी चीज़ नहीं दे रही है, ठीक है। हालांकि देखिए मेरे लिए तो मेरे पास बहुत सारे ऑयल हैं, आप लोगों को दिखाना भी होता है, तो वैल्यू फॉर मनी वाला सिस्टम मेरे ऊपर अप्लाई यहाँ पर उतना नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ जिनके वो एक बार ऑयल चेंज कराना है और गाड़ी लगातार चलानी है तो उनके लिए ज़रूर मायने रखता है, तो कम से कम उनको तो सही बात पता होनी चाहिए। तो जो फ़ैन हैं वो फैंस बने रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं मोटल के फेवर में कि आप मोटल को ऐसा बोल रहे हो वैसा बोल रहे हो, भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे वीडियोज़ आप देख लो, पीछे के रिव्यू पड़े हैं और ये भी एकदम एक्यूरेट वीडियोज़ रिव्यू सामने दे रहा हूँ। टोटल मिला के 1,200 ml ऑयल आपका चला है कितना, 4,500 किलोमीटर, अभी 500 किलोमीटर आपने रीडिंग देखी है लेस है, और 1,000 किलोमीटर बाद इसको डाला गया था, तो 6,000 किलोमीटर अब पूरे होंगे 1,22,000 में, 23,000 में, और ये 1,500 में नहीं चला है, ये 4,500 किलोमीटर चला है, और इसमें भी 100 ml जो है आपका वो एडेड है क्या प्लस जो मैंने डाला है अभी, ठीक है। तो अब 100 ml प्लस एडेड है यानी कि 800 ml है, अब 800 ml आपका 1,200 ml यानी 400 ml ये
रिड्यूस हो गया था। इतना ऑयल कोई रिड्यूस नहीं होता है, चाहे मिनरल ऑयल भी हो तो इतना रिड्यूस नहीं होता है। तो लाइफ स्पैन मैं अभी भी अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूँ कि इसका लाइफ स्पैन एकदम घटिया है मोटल 5100 का। परफॉर्मेंस कोई दिक्कत नहीं है, इंजन स्मूथनेस कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसा फालतू है तो वो डालिए। और बाकी 2500 किलोमीटर से ज़्यादा ये ऑयल किसी हाल में नहीं चल सकता, चाहे जिस बाइक में, ये पक्की बात मैं बता रहा हूँ। आप और कोई भी क्या कहते हैं इसको चेक करना चाहे, टेस्ट करना चाहे, टेस्ट करके देख ले अपनी बाइक में, 2500 से ऊपर ये ऑयल किसी हालत में नहीं चलता है। एक बार नहीं, कई बार मैं चेक करके देख लिया, और ये तो थर्ड रिव्यू है मेरा मोटल का, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस टाइम पर। और रही बात आप क्या कहते हैं मेरी बाइक की, तो मेरी बाइक एकदम एक्सीलेंट कंडीशन में, ना कोई ऑयल लीकेज है, ना इसमें क्या कहते हैं कोई आपका बर्न हो रहा है ऑयल, ना और कुछ है। सो दोस्तों ठीक है, वीडियो अब यहीं पे फिनिश करता हूँ। अब ये एक अर्जेंट कंडीशन में मुझे चेंज करना पड़ा था, तो मैंने ऐसे ही बिना किसी प्रिपरेशन के ऐसे ही शूट किया है दिखाने के लिए। अब नेक्स्ट ऑयल चेंज आपका गल्फ़ का हमें लाइफ स्पैन पता चल जाएगा, और परफॉर्मेंस वगैरह क्या है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब यही दोस्तों वीडियो फिनिश करता हूँ, ऑयल फिर से देख लीजिए आप, आपके सामने। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं फिनिश कर रहा हूँ अब मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।